नमस्कार व्यू स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार और आज दो अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए पहुंचा हूं, एसआरओ 202 और न्यू डोमेसाइल पॉलिसी। और अक्सर मीडिया हमेशा अपने वक्तव्य ही देते रहता है, इसलिए मैं कुछ बुद्धिजीवियों को लेकर इस समय पहुंचा हूं एसआरओ 202 पे और न्यू डोमेसाइल पॉलिसी पे। मेरी बाईं तरफ यदि आप करें तो एडवोकेट आदित्य शर्मा जी मौजूद हैं, उनके साथ एडवोकेट परिमोक्ष सेठ जी मौजूद हैं और मेरे दाईं तरफ एडवोकेट रोहित भगत जी मौजूद हैं। मैं कानूनी तरीके से जानना चाहूंगा और ये लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि जुडिशरी के साथ सीधे दौर से ताल्लुक है और हमेशा से जुडिशरी को काफी अहम माना जाता है, तो एक एडवोकेट क्या सोचता है एसआरओ 202 और न्यू डोमेसाइल पॉलिसी को लेकर। ये बेहद अहम है और तीनों यंग हैं, तो एक यूथ की परिभाषा इनसे ज्यादा और कोई बेहतर तरीके से समझा नहीं सकता। सबसे पहले आपका स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं रोहित जी से स्टार्ट करूंगा। रोहित जी, एसआरओ 202 और न्यू डोमेसाइल पॉलिसी दोनों को एक एक मिनट में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं कि आपकी अपनी परिभाषा क्या है इन दोनों को लेकर। देखिए, मैं आपको उसी भाषा में समझाऊंगा जिस भाषा में हमारी जो जम्मू की जनता है, जम्मू का यूथ है, वो समझता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो इफेक्ट है वो हमारा यूथ है। जो हमारा जो एसआरओ 202 जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2015 में, और इसकी जो जिसको हम सेंट्रल आइडिया बोलते हैं, वो इसका ये था कि गवर्नमेंट ने, जैसे कि अपॉइंटमेंट कोई भी होती थी नॉन गेस्टेड स्टाफ की या गेस्टेड स्टाफ की, उन्होंने एक्सेप्शन कुछ रखी हुई है, अदरवाइज दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। इनिशियली जो है, जैसे कि पहले रिक्रूटमेंट 2015 से पहले जब होती थी, तो उसमें क्या था कि उसमें 2 साल का जो है प्रोबिशन पीरियड रखा जाता था, और 2 साल के प्रोबिशन पीरियड के बाद जो है उनको बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं, दो साल तक उनकी जो है बेसिक से मतलब मिनिमम बेसिक जो है वो उनको दी जाती थी सैलरी, और जिसके दौरान उनकी ट्रांसफर्स नहीं होती थी और उनको कुछ और जो सर्विस बेनिफिट्स हैं वो नहीं मतलब जिसको हम बोलते हैं कि कच्ची नौकरी, एक तरह से कच्ची नौकरी लेकिन पक्का काम, गवर्नमेंट जो है वो काम पूरा बराबर लेती थी, लेकिन इनिशियली उनको प्रोबेशन बेसिस पे रखा जाता था ताकि उनको उनकी किसी गलती पे गवर्नमेंट निकाल दे और वो उसको जुडिशियल जो दरवाजा है उसके सामने उसको नॉक ना कर सके। हम बार बार ये कोशिश करते हैं, लोगों को हमने अच्छी तरह अवेयर भी करवा दिया कि एसआरओ 202 और न्यू डोमेसाइल पॉलिसी है क्या। आपका अपना वक्तव्य क्या है कि आप 202 के कितने पक्ष में हैं, कितने खिलाफ हैं, या न्यू डोमेसाइल पॉलिसी के आप कितने पक्ष में खिलाफ हैं? देखिए, मैंने तो अभी तक आपको सिर्फ ये बताया कि 2015 से पहले पिक्चर क्या थी जी। 2015 के बाद जब ये आया तो उसके बाद पिक्चर ये होगी कि जो टर्म 2 साल की थी प्रोबेशन की, वो इन्होंने 5 साल कर दी, जिसमें इन्होंने ना तो उसकी ट्रांसफर होगी, जो बंदा जहाँ का अपॉइंटी है वो वहीं पे रहेगा प्रोबेशन, उसके अलावा उसको मिनिमम सैलरी जो है वो दी जाएगी, उसको जो है प्रमोशन जो है वो उस दौरान उसको नहीं होगी, और उसके अलावा जो है जो मेन इसका जो था कि उनको जो है टेम्प्रेरी बेसिस पे रखा जाएगा 5 साल तक, और 5 साल के तक गवर्नमेंट के पास पूरा रीजन रहेगा उनको निकालने का, अगर कोई वो वैसी एंटी गवर्नमेंट जो अपनी अपनी सर्विस के दौरान कुछ सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो गवर्नमेंट उनको निकाल सकती है, जिसके लिए वो क्लेम नहीं कर सकते, जो कि एक पीरियड मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि इस तरीके की जो है ये हार्श पॉलिसीज और हार्श एसआरओस या रूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक यूथ जो है वो हमारे हिंदुस्तान का, हमारी स्टेट का मुस्तकबिल है, और अगर हम इसी के साथ खेलेंगे तो कल को हमारे नौजवान कहाँ जाएंगे। न्यू डोमेसाइल में फिर आपके पास आऊँगा, पहले हम इसी को एसआरओ 202 को ही करेंगे। परिमोक्ष जी, आप एसआरओ 202 को किस तरह से समझते हैं? देखिए अम्मी जी, जो 2015 में पॉलिसी ऐसी 202 ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K था, उसमें एक सेक्शन है 124 थी उस समय, उसका प्रोविजन में पावर थी स्टेट गवर्नमेंट के पास रूल्स बनाने की। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K जो उस समय एप्लीकेबल था, जो अब खत्म हो चुका है, 370 आने खत्म होने के बाद और 35 ईयर खत्म होने के बाद खत्म हो चुका है, उस समय पावर्स थी गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने इस पावर्स को अप्लाई करते हुए 202 की एक एसआरओ इशू किया, जिसमें प्रोबेशन का पीरियड 2 साल से बढ़ा के 5 साल किया गया। एज ऑन डेट पोजीशन ये है कि आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है राइटली, 35 ईयर खत्म हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K खत्म हो चुका है, आज पूरे जम्मू कश्मीर पूरे देश में एक ही कानून एप्लीकेबल है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर पूरे देश में प्रोबेशन का पीरियड 2 साल है तो जम्मू कश्मीर में 5 साल क्यों? और दूसरी बात, जो एसआरओ आया था उस समय वो आया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K में, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म हो गया जम्मू कश्मीर का, संविधान ही खत्म हो गया,
एक संविधान, एक वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन वन फ्लैग, अगर वो एप्लीकेबल हो गया है तो ये ऐसा 202 इलीगल है मेरे हिसाब से और जाना चाहिए, और मोर ओवर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड ही रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर का एक लॉ कमीशन है जिसके एक रिटायर्ड जजिस को जिसको हेड करते हैं, जस्टिस रिटायर्ड है हंजूरा साहब, वो उसको हेड करते हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है कि दिस एसआरओ 202 इज इलीगल बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेएंडके हैज नाउ गॉन, और इस पीरियड को 2 साल ही करना चाहिए एट पार विद ऑल ओवर इंडिया। तो मैं इस एसआरओ के अगेंस्ट हूँ, इट शुड गो। ये हमारे राइट्स को, जो यूथ के राइट्स को छीन रहा है। 5 साल का प्रोबेशन बहुत ज्यादा होता है, 2 साल का ही सफिशियंट है, और गवर्नमेंट 2 साल में ही देख लेती है कि क्या ये इम्प्लॉय काम करने के काबिल है या नहीं है। तो इसलिए इट शुड गो, और जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल होने चाहिए, दिस शुड गो। आदित्य जी आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी अमित जी, मेरा ये विचार है कि जब भी कोई लेजिस्लेशन बनता है आपको उसके पीछे का मोटिव देखना होता है कि व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड दिस इन फ्रेमिंग दिस लेजिस्लेशन। आप देखेंगे इनका मोटिव क्या था। जैसे हम एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक जो लेक्चरर होता है, अगर उसकी एक रेगुलर लेक्चरर है, ही विल बी गेटिंग सैलरी ऑफ 75 to 1 lakh के इन बिटवीन। नो, देयर मोटिव वॉज टू इम्प्लॉय 5 employees विद इन दैट सैलरी एंड टू गिव मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट। अगर एक लेक्चरर की पोस्ट को हम मैं फ्लोट करता हूँ, ओनली 1% विल गेट द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इनका मोटिव था कि भैया 5 लोग आ जाएंगे, हमारा जो हमारा रेवेन्यू जाना देना पड़ेगा डेट विल बी ओनली द सेम जो एक एम्प्लॉय को देंगे। बट जो मेन थिंग है वो थी कि भैया 2 साल को जो उन्होंने 5 साल में जब कन्वर्ट किया, जो वो प्रोविजन जो ऐड किया हुआ है, दैट इज अल्टीमेटली द रॉन्ग थिंग। क्योंकि आप देखेंगे, अब मैं यूथ की बात करते हैं, जैसे हम अभी यूथ की बात करने हैं, हम बात कर रहे हैं, एक यूथ की एक नॉर्मल शादी की एज क्या होती है, 28 से 32 साल, है ना। आपने ग्रेजुएशन की 21-22 पे, देन आफ्टरवर्ड यू अप्लाइड फॉर नंबर ऑफ पोस्ट। ठीक है, 2-3 साल लग गए, आप नहीं थ्रू कर पाए, और अल्टीमेटली एग्जाम्पल के तौर पर 25 में आपने थ्रू कर लिया। इट विल टेक 5 years फर्स्टली फॉर दैट कंप्लीटिंग दैट प्रोबेशन पीरियड, जिसमें अगर आप पुंछ के हो और अगर आपने जम्मू में अप्लाई किया था, यू विल नॉट बी ट्रांसफर्ड फॉर 5 years। टीए नहीं मिलेगा, डीए नहीं मिलेगा, आपको ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलेगी, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, नो सच फैसिलिटीज एज सच जो एक रेगुलर एम्प्लॉय को मिलती थी। ठीक है, आपको उस 5 साल में आपको एक कहते हैं ना कि आप सीधी लकीर की तरह चलना है, तो आपको सीधी लकीर की तरह ही चलना है, आप उधर से पाँव एक इधर नहीं कर सकते, एक इधर नहीं कर सकते, जो कि एक गलत है, क्योंकि उनके फंडामेंटल राइट की वो वायलेशन है देखा जाए तो। और वो अल्टीमेटली जब 30-31 साल का हो जाएगा, देन आफ्टरवर्ड ही इज नॉट श्योर कि वेदर मैं होऊंगा रेगुलर कि नहीं होऊंगा मेरे सर्विसेज को। आज हमारे हाईकोर्ट में इतनी रिट पेंडिंग है जो सिर्फ रेगुलराइजेशन के ऊपर ही है। दे आर द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, 2 साल काम करते हैं, 3 साल काम करते हैं, उनके जो उनके हेड्स होते हैं, बॉसेज होते हैं, वो उनको रिमूव करते हैं जी हाँ भाई नहीं सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं है। बट वट आर द ग्राउंड्स जो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है? हमें पता है कि जब वो लॉ उसने पिटीशन में चैलेंज किया, इट विल टेक सम टाइम, 2 years, 3 years, 4 years, इट विल टेक सम टाइम। वो 3-4 साल तो वो बेचारा गया ना, ही विल नॉट गेट एनीथिंग। ही हैड सर्व्ड द स्टेट फॉर 2-3 years, सफिशिएंट पीरियड, ही हैड नॉट क्लेम्ड एनी राइट व्हाटसोएवर इन दैट पीरियड आल्सो, बट ऑल ऑफ अ सडन यू आर सेइंग नहीं जी अब आप हमारे एम्प्लॉय नहीं हो, आपने गलत काम किया, हम आपको निकाल रहे हैं। चलो वो बात की बात रही, दैट द कोर्ट विल सी, बट रेगुलराइजेशन के केसेस हमारे कोर्ट में बहुत ज्यादा है, जिससे सीरियसली क्लियर कट दिखता है कि डिस्पाइट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 5 years, दे दीज वेरी पर्संस हैव नॉट बीन रेगुलराइज्ड टिल डेट। परिमोक्ष जी, एसआरओ 202 हाई कोर्ट पे भी लायबल नहीं है, और यूनिवर्सिटीज ऑटोनमस बॉडीज वहां पर भी 202 जो है वो लायबल नहीं है। सर, असर 202 आया था बेसिकली, ये इन्होंने एप्लीकेबल किया है ऑल नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए। हाँ। तो जम्मू कश्मीर स्टेट के अंडर आती थी उस समय की स्टेट, तो यूटी बन चुकी है। हाँ। उस समय स्टेट थी, उसके अंडर आती थी ऑल नॉन गजेटेड पोस्ट और कुछ गजेटेड पोस्ट जो स्पेसिफिक कर सकते हैं विद ऑर्डर्स, प्रोविजन था। तो जितनी भी नॉन गजेटेड पोस्ट है उस टाइम पे भी जो हाई कोर्ट में रिक्रूटमेंट होती थी उसमें स्पेशली मेरे पास एक ऑर्डर आया था जिसमें मेंशन था कि एसआरओ 202 जो है वो हाई कोर्ट के एम्प्लॉइज पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ऐसे में यदि हाई कोर्ट के एम्प्लॉइज पर एप्लीकेबल नहीं होगा तो बाकी लोगों पे होना, तो ये एक ही देश में अलग अलग संविधान। देखिए, हाई कोर्ट एक ऑटोनॉमस बॉडी है, अलग है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, लेकिन एसआरओ ने हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया, बिल्कुल राइटली लिया होगा कि एसआरओ 202 एप्लीकेबल नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। एक तरह से आप एक एम्प्लॉय को एग्जाम लेते हो, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करता है, और फिर जब निकल के आता है उसके बाद फिर आप बोलते हो नहीं जी प्रोबेशन 2 साल की नहीं 5 साल की, ये तो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है, बेसिक राइट है। रोहित जी, आपको लगता है यदि हाई कोर्ट ने एसआरओ 202 को अपने तरफ एप्लीकेबल नहीं होने दिया तो एक सू मोटो करके सरकार से पूछताछ की जा सकती है कि आखिर किस बिना पर आप एसआरओ 202 को एप्लीकेबल कर रहे हो? देखिए, हमारे देश की विडंबना आज की डेट में ही है कि जुडिशरी लेजिस्लेचर्स में इंटरफेयर नहीं कर रही, और लेजिस्लेटर जो है वो एग्जीक्यूटिव में नहीं, और एग्जीक्यूटिव जो है वो एट द एंड जो है
पब्लिकली जो है वो अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर रहे। जो जुडिशियल है वो जुडिशरी है हमारी, वो एक इंडिपेंडेंट पिलर है और वो स्ट्रांग पिलर है। आज की डेट में अगर कोई इंसान कहीं से हताश होके, चाहे लेजिस्लेटर का ऑर्डर हो, ब्यूरोक्रेट्स का हो, किसी का भी हो, तो वह हताश होने के बाद जो है कोर्ट का दरवाज़ा ही खटखटाता है और उसे कोर्ट पे भरोसा होता है। तो मुझे लगता है कि जैसा कि प्रमुख जी ने कहा कि अगर कोर्ट ने जो है इस चीज़ को उसमें इंटरप्रेट करने के बाद जो है अगर अपनी नोटिफिकेशन इस तरीके से निकाली है तो उन्होंने सारे ऑफ एंड ऑन देख के ही जो है वो निकाली हो। बिल्कुल, और शायद ये ऑफ एंड ऑन से अगर सरकार भी देखती तो आज ये बवाल जो है वो नहीं मच पाता। लेकिन सभी की राय यही है कि 202 को जल्द से जल्द हटाना चाहिए, क्योंकि यदि पुराने सारे कानून नहीं रहे तो उसमें इस तरह का जजिया कानून को भी हटाया जाना चाहिए। अगला मुद्दा है न्यू डोमिसाइल पॉलिसी का, उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, न्यू डोमिसाइल पॉलिसी जो है वो हमारी स्टेट में जो है इंट्रोड्यूस की है। इस पे चर्चा करने से पहले मैं कुछ चीज़ें जो है वो कुछ होते हैं ना दिल्ली, आपकी कुछ ख्वाहिश होती है कि कभी मैं अपने लोगों से आपके चैनल के माध्यम से जो है वो बात पहुंचा सकूं। हमारी जो ये सब चीज़ें हैं, ये सारे जो रिजल्ट्स हैं, ये 370 की एप्लीकेशन के बाद हैं। मैं खासकर जम्मू प्रोविंस की बात करता हूँ कि जम्मू प्रोविंस में मेजॉरिटी जो थी वो इस फेवर में थी कि 370 जो है वो ख़त्म होना चाहिए। और हम लोगों को इंटीग्रल पार्ट नहीं होना, हमें इंडिया का पार्ट होना। जो 47 के बाद 54 तक जो रहा राजा महाराजों का रूल और किस टाइम पे हम लोगों ने सेशन किया, कैसे हुआ, वो सब आप लोगों को पता। और अमूमन हम जितना ये सब चीज़ें, हमारा पॉलिटिक्स JNK का इसी से रहा है, हाँ, जुड़ा हुआ, तो हर बंदा इस चीज़ से रूबरू हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें जो अब इंट्रोड्यूस हुई, मुझे लगता है कि वो जो है जिस तरीके से होनी चाहिए थी उस लेवल पे नहीं हुई, कुछ जो है बिल्कुल। और जहाँ तक डोमिसाइल की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे यूथ में 60-40 की रेशियो है एक्सेप्टेबिलिटी को लेके। ये मैं अपना पर्सनल व्यू नहीं दे रहा हूँ, ये मैं लोगों के, क्योंकि रुझान तो हमें भी मिलते रहते हैं लोगों के, है ना, आपके लिंक्स में हो गए, मेरे लिंक्स में भी काफ़ी लोग हैं, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं और मैं स्टूडेंट यूनियन से जुड़ा भी रहा एक टाइम पे अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के टाइम पे। 60 किस तरफ है? तो मुझे लगता है कि 60 जो है वो इसके फेवर में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने कभी कंपटीशन से अपनी पीठ नहीं दिखाई। हम लोगों ने हमेशा कंपटीशन को चैलेंज किया है और हम लोगों ने जो चैलेंज लिया उसमें हमने अपने आप को सफल करके लोगों को दिखाया भी है और हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल भी कायम की है। तो मुझे लगता है कि हमारा जो 60-70% यूथ जो है वो इस चीज़ से नहीं डरा है कि मुझे हिंदुस्तान से कंपटीशन करना, क्योंकि हिंदुस्तानी हिंदुस्तानियों से कभी कंपटीशन नहीं करता। हमारे राइवलरीज नहीं है वो। सिर्फ एक चीज़ का, मैं इस चीज़ को अपनी जो आपकी बात जो मैंने अपनी रखी आपके सामने, मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको कि 370 जब तक यहाँ पे लागू था हमें एक स्पेशल स्टेटस था, और कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि वो स्पेशल स्टेटस जो है ना वो कहीं ना कहीं एक तरह का एक्स्ट्रा जो है मुझे बेनिफिट है, जिसके लिए मैं अपाहिज नहीं हूँ और मुझे ज़बरदस्ती बैसाखी जो है वो पकड़ा दी गई। ये मेरा अपना ओपिनियन है। हम लोग हक से जाते हैं हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में, हम जाके वहाँ क्लेम करते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी क्लेम करते हैं, वहाँ पे घर क्लेम करते हैं, वहाँ पे नौकरियाँ क्लेम करते हैं, अपनी फैमिलीज को सेटल करते हैं, अपने यहाँ पे पुश्तैनी फैमिलीज होती हैं उनको वहाँ लेके जाते हैं। वो लोग हमें इस तरीके से ग्रीट करते हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। आप श्रीनगर से देखें कितने लोग जो है हिंदुस्तान में, कुछ कोटा में पढ़ रहे हैं, कुछ अकेडमिकली एजुकेशनली उनको कोटा प्रोवाइड किए हुए हैं, वो कोटा में पढ़ रहे हैं और वो लोग हंस के हमारा स्वागत करते हैं। आप देखिए अभी जो दिल्ली में जो माहौल था और उसके अलावा जो हिंदुस्तान में जो माहौल क्रिएट किया गया, कुछ दंगे कुछ फसाद, लेकिन उन लोगों ने हमारे बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से बहुत सेफली जो है वापस यहाँ पे हमारी रियासत में पहुंचाया। तो उन लोगों का कंडक्ट हमारे को लेके ऐसा है, उन्होंने कभी वो तो गैस कल्चर हो गया ना, उन्होंने कभी एतराज नहीं किया। मैं बता रहा हूँ, घरों को घर बनाने की बात, उन्होंने अपने घर को हमें दे दिया कि ये आधा हिसाब रख लो, हमें कोई परवाह नहीं है। यही मतलब हुआ ना कि उन्होंने कभी भी इस चीज को इतराज नहीं जताया कि आप यहाँ पे आके क्यों फ्लैट्स ले रहे हो, आप यहाँ पे आके क्यों जमीन ले रहे हो, आप यहाँ आके हमारी नौकरियों में क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें जम्मू वाले कंपटीशन दे देंगे। जम्मू में अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छी पढ़ाई है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे। जम्मू के लोग जो है काफी लोगों से, दिल्ली वालों से ज्यादा अच्छा कंपटीशन देते हैं बच्चों को, तो उनको ना उनको डर है ना इनको डर है। लेकिन एक 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 चीज को किस तरीके से प्रेजेंट करना है और एक एक कुछ ऐसे
हालातों में हम लोगों को किस तरीके से एक दूसरे के साथ देना है, उस चीज में मुझे लगता है हमें ज्यादा सीखना चाहिए, क्योंकि 70 सालों से वो हमें उस तरीके से रख रहे थे एज ए गेस्ट। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, उन्होंने हमें कभी गेस्ट ट्रीट नहीं किया, ना ही उन्होंने कभी हमें सिंपति दी। अगर उन्होंने सिंपति दी हमें जम्मू कश्मीर वालों को, तो सिर्फ एक बात है कि हम लोग उत्पीड़ित हैं यहाँ पे, जो यहाँ का जिसको आप बोलते हैं जो मिलिटेंसी है, हम लोग मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया से आते हैं, हम लोग डिस्टर्ब एरिया से आते हैं, तो हम लोगों के लिए, हम लोगों के प्रति उन लोगों का रुख जो है वो थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक है। वो लोग हमारे साथ सहानुभूति रखते हैं कि ये लोग ऐसी जगह से आते हैं, लेकिन फिर भी, लेकिन हम लोगों का रवैया जो है थोड़ा, मुझे लगता है कि इस चीज में हम लोगों का भी थोड़ा, क्योंकि नई नई चीज है तो बड़प्पन दिखाने में थोड़ा वक्त लगता है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छी चीज है जो हमारे जम्मू के लिए। दो बातों का जवाब दीजिएगा, मैंने आपकी सारी बात सुनी। पहली बात तो ये कि रिजर्वेशन भी इसी आधार पर है, यदि हम न्यू डोमिसाइल पॉलिसी का वेलकम करते हैं तो फिर हम कहीं ना कहीं रिजर्वेशन को भी अगेंस्ट जाते हैं कि रिजर्वेशन भी नहीं होनी चाहिए, हमें तो समान अधिकार का सुनना चाहिए। दूसरा, जम्मू कश्मीर में आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है, वो किस वजह से लगा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस है, यहाँ पर डिस्टर्बेंस स्टेट मानी जाती है। जब आप एक तरफ से स्पेशल स्टेटस काउंट कर रहे हो और दूसरी तरफ से कह रहे हो नहीं हम बाकी इंडिया की तरह और हमें बिल्कुल उनकी तरह काउंट करना चाहिए, तो ये दोनों में हम अपनी विचारधारा को अलग कैसे करते हैं? ये बड़ी अच्छी बात की आपने जी, मैं चाहता था कि आप एक सवाल करें, ये दोनों सवाल करें और मैं इनका जवाब अपने तरीके से दूं। जी, ये जो आपने एफ्सपा की बात की, जी, ये हमारी स्टेट में किस वजह से लगा, ये मुझे वैसे बताने की जरूरत नहीं, हर इंसान जानता है। हाँ। कि यहाँ पे आप आज हटा दो, आप यहाँ से आज हटा दो, कल आपको गली मोहल्ले चौराहों पे किस तरीके के एपिसोड, किस तरीके के हालात बनते दिखेंगे, वो आप सोच भी नहीं सकते। वो लोग तो स्टाफ में है। ऐसे हालात में आपको लगता है कि बच्चा जो है वो शांति से पढ़ाई कर सकता है? ऐसे हालात में आपको लगता है कि एक बच्चे को वो एटमॉस्फेयर मिल सकता है कि जो कम्पीट उस बच्चे के साथ कर ले जो कोटा में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, जो मुंबई में बैठा है, जो अहमदाबाद में बैठा है, जो दिल्ली में बैठा है? बिल्कुल, मेरे पास इसका जवाब है। आप जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस को रिलेट नहीं कर सकते हो इस वजह से, क्योंकि वहां पे मिलिटेंसी ज्यादा है, वहां पे स्कूल 365 दिन के बीच में, 365 दिन में या 64 दिन में वहां पे स्कूल शायद ही 100 दिन भी नहीं खुलते हैं। लेकिन अगर कंपटीशन की बात करेंगे ना, तो वहां के बच्चे जम्मू के बच्चों से ज्यादा एक्सेल करते हैं। वो इसीलिए भी कश्मीर का मैक्सिमम बच्चा, यदि आप बाहरी राज्यों का भी देखेंगे, दिल्ली मुंबई कोटा जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, उसमें मैक्सिमम जम्मू के बड़े कम रेयरली हो गए, मैक्सिमम कश्मीर के बच्चे आज भी यदि रिपोर्ट करके लाए जा रहे हैं तो मोर देन 70-80% रिपोर्ट कश्मीर के बच्चे करके लाए जा रहे होंगे, क्योंकि मैक्सिमम वही बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं। 80-90% जो आप जिन बच्चों की बात कर रहे हैं, कश्मीर खाली उनमें सीमित नहीं है। आप उनकी अगर रेशो देख लेंगे तो हजारों में होगी, और श्रीनगर में हजारों के हिसाब से बच्चा नहीं है, वहाँ पे लाखों के हिसाब से बच्चा है। आज भी हम आकाश ट्यूटोरियल जैसे कई ट्यूटोरियल देखेंगे तो वहाँ पर 90% बच्चे हमारे कश्मीर डिवीजन के होंगे, जम्मू डिवीजन के बहुत कम होंगे। देखें, आप अपने जो सवाल है ना, जो आपका, आप उसको खुद ही जो है वो डाइल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि आपका सवाल ये था कि हम लोग कंपटीशन में कैसे आए। हाँ। हम लोग कंपटीशन में जब बाकी वालों के साथ हम लोग क्या इतने में सीमित रहने के बावजूद भी उनसे कंपटीशन किस लेवल पे करें, आपकी ये बात है। आज आपके पास मेरा आपसे सिर्फ ये बात है कि आप ये कह रहे हैं जम्मू कश्मीर बाकियों के साथ खड़ा हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर को कुछ न कुछ स्पेशल सिचुएशन में रहा है, इस वजह से उसे कुछ न कुछ स्पेशल तो कुछ मिलना ही चाहिए। मैं एक आपकी बात जो ये आपने मेरे से बात की है, मैं आपको उसी बात की एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम इस चीज़ से कंपैरिजन नहीं कर सकते कि एक सरकारी स्कूल का बच्चा कभी पोजीशन नहीं ले सकता और एक प्राइवेट स्कूल में जाने वाला बच्चा जो है वो पोजीशन लेके ही आएगा। एक 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 बच्ची जो है आपके पास एग्जाम्पल है, यहाँ गंग्याल एरिया में एक स्लम से आने वाली बच्ची ने आईएएस क्वालिफाई किया था। अब बिलावर में एक लड़की है जिसके फादर, उसका लड़की का नाम शायद मुझे याद नहीं, सुलेखा शर्मा की कुछ है, उस बच्ची के फादर ने वो दिहाड़ी लगाते थे और उस लड़की ने जो है वो टॉप किया 12th में। उसके अलावा हमारे पास बहुत एग्जाम्पल्स है, पढ़ने वाला इंसान कहीं पर भी फ्लरिश कर सकता है, जिस तरीके से एक पौधा, एक बीज जो है वो चट्टानों में भी जो है वो बन सकता है, अपनी मिसाल कायम कर सकता है, अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। बिल्कुल जायज है, लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर में ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने आज तक कभी पूरे खानदान में किसी ने सरकारी नौकरी का मुंह नहीं देखा होगा, वो उस चीज का बेहतर एक जवाब होगा, क्योंकि अभी भी कई कंपटीशन जो है वो अभी जम्मू कश्मीर के युवाओं को झेलना है, और ऐसे में उनके लिए क्या कंडीशंस रहती है वो बेहद जरूरी है। परिमोक जी, आपके पास आऊंगा, न्यू डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर आपका क्या पक्ष? सर देखिए, पॉलिसी एक वेलकम स्टेप है, मेरे अकॉर्डिंगली वेलकम स्टेप है, और ये बड़ी बैलेंस पॉलिसी है। इसके रीजन मैं आपको देता हूँ। ये पुरानी वाली है, नई वाली? सर जो नई वाली पॉलिसी है ये बिल्कुल बैलेंस्ड है, और इसके रीजन मैं आपको देता हूँ क्या है। देखिए,
5 अगस्त 2019 से पहले की बात करते हैं जी, आर्टिकल 370 था, आर्टिकल 35A था, ठीक है, और PRC था, बिल्कुल तीन चीज़। हमने यहाँ से वाल्मीकि समाज के लोग लाए, जम्मू में रहते हैं, बिल्कुल। उनके PRC पे लिखा गया था कि दे कैन अप्लाई ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ स्वीपर, क्या ये नाइंसाफी नहीं है? बिल्कुल नाइंसाफी है, बिल्कुल सही है। PO के JK के जो रिफ्यूजी हैं, जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है, इलीगल कब्जे में है, वहां से जो 47 में छोड़ के आए, हजारों परिवार, बिल्कुल हर धर्म के परिवार है, वो धर्म की बात ही नहीं की, हर धर्म के परिवार है जो आज तक रिफ्यूजियों की तरह बॉर्डर पे रह रहे हैं, जिनके पास कोई राइट नहीं था, वो 12th के बाद पढ़ नहीं सकते थे, किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, वो लोग सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, जमीन नहीं ले सकते, उनको राइट दिए जा रहे हैं। क्या ये कम बेनिफिट्स हैं? ये सही है। वो लोग हजारों लाखों की तादाद में जिन्होंने जम्मू कश्मीर की सेवा की है, जम्मू कश्मीर में आए, अपना देश समझ के, अपना स्टेट समझ कर, उनके सामने क्या बर्ताव किया 70 सालों में? उनको उसमें इंक्लूड किया गया है, वो बड़ी बैलेंस पॉलिसी है, 15 इयर्स का रखा गया है, कि जो 15 इयर्स से रेगुलरली रह रहा है वो, जिसने 7 साल पढ़ाई की है, 10th और 12th मिला के, या 10th या 12th, या सरकारी अफसर का बेटा जो यहाँ पे ही रह रहा है, तो क्या उनको राइट नहीं है? अगर मैं जाता हूँ दिल्ली या मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदता हूँ या नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, कितने लोग हमारे जुडिशरी के, जम्मू कश्मीर के, दिल्ली की जुडिशरी में काम कर रहे हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हैं, अगर वो लोग वहां जाके प्रॉपर्टी कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, तो क्या वहां के लोग यहाँ क्यों नहीं कर सकते? हम बात करते हैं वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन वन फ्लैग की, जो सपना देश ने देखा था पूरा हो चुका है, बिल्कुल। ये पॉलिटिकल लाइन पे नहीं है, ये एक देश की लाइन पे है कि कंट्री के लिए है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज। तो अगर वो लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? और बेनिफिट दिया है उन्होंने गवर्नमेंट ने, ठीक है जी, 15 ईयर्स मिनिमम रखा है उन्होंने, 15 ईयर्स तो रहना पड़ेगा स्टूडेंट्स के लिए, साथ साथ जनरल 15 ईयर्स है, और हमने उसमें वाल्मीकि समाज के लोग जो कब से प्रताड़ित थे, POJK के लोग, उन सबको इंक्लूड किया। आपने दो सवाल अमित उनसे किए, रोहित जी ने उनको जवाब दे रहे थे, मैं उसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। आपने बात की आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की, मैं क्लेरिफाई कर दूं कि ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, ये स्पेशल स्टेटस की वजह से नहीं था, ये हमारी स्टेट में आतंकवाद है उसको खत्म करने के लिए है। अगर आप अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को पावर नहीं दोगे तो वो आतंकवादी, बिल्कुल नहीं, जहां घुसे, हम बिल्कुल नहीं, 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 मैं बात क्लियर कर रहा हूँ ना, इस स्पेशल स्टेटस की वजह से नहीं है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट नॉर्थ ईस्ट की कई स्टेट्स में लगा हुआ है, मिलिटेंसी, हमें आतंकवाद से लड़ना है जो पहला दुश्मन है देश का, ये उसकी वजह से है, इसका स्पेशल स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है। एक चीज में क्लेरिफाई, स्पेशल सिचुएशन की बात की, अगर आतंकवाद है, आतंकवाद से लड़ रहे हैं, जिसने पढ़ाई करनी है वो घर बैठ के भी पढ़ाई कर लेगा, एक गरीब का बच्चे ने अगर IAS करनी है तो घर बैठ के भी कर लेगा, और एक अमीर का बच्चा जिसने घर बैठ के नहीं पढ़ना है, माँ बाप को किताबें दिखानी है, अंदर वीडियो गेम खेलनी है, तो वो घर बैठ के वही काम करेगा। अमित जी बिल्कुल बैलेंस पॉलिसी है, हर खीते का, हर जगह का प्रॉपर ख्याल रखा गया है। हाँ, वो लोग इस पॉलिसी को अपोज कर रहे हैं वो जिनके पॉलिटिकल रीजंस हैं, जिन्होंने 70 साल तक यहाँ पे राज किया है, उनसे पूछा जाए कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई? कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। और आपने एक बात और की थी कि जम्मू कश्मीर में कितने परिवार हैं जिनको सरकारी नौकरी का मुंह नहीं देखा, मेरे परिवार ने भी आज सरकारी नौकरी का मुंह नहीं देखा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें हॉस्पिटल चाहिए प्राइवेट, एयरलाइन चाहिए प्राइवेट, होटल चाहिए प्राइवेट, फैसिलिटी चाहिए प्राइवेट, लेकिन जब नौकरी की बारी आती है तो भी नौकरी चाहिए सरकारी, ये कौन सा सिस्टम है सर? अगर डेवलप करना है आपके 370 जाने के बाद इंडस्ट्रीज आएंगी यहाँ पे, आपके पास इतना काम होगा कि आपकी नौकरी कम पड़ जाएंगी, लोगों को नौकरी इतनी अवेलेबल होगी, लेकिन हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अब हम पूरी तरह विलय हो चुका है, जो थोड़ा हर्डल था वो मिट चुका है, अभी थोड़ा अपने आप को बदलना पड़ेगा, थोड़ी सोच बदलनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से पॉलिसी बड़ी पॉजिटिव है, बाकी कोई पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या कोई जिसको पाकिस्तान से ज़्यादा प्यार है, मैं बोलूँगा उस लाइन पे चल के अपोज करता है तो वो उसकी इच्छा कर सकता है, डेमोक्रेसी है, कोई मना नहीं करता। आपने दो बातें कही कि एक तो वाल्मीकि समाज को हमें उसका फायदा होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए, माइग्रेंट्स की बात की, माइग्रेंट्स को फायदा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन इन दोनों का वास्ता तो 15 साल से बिल्कुल नहीं था, ये तो पिछले 60 से 70 सालों से हमारे जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, तो फिर ये 15 साल का गैप किस लिए, किसको बेनिफिट देने के लिए, बेनिफिट देने के लिए? यदि हमारे ये कहते हैं कि KS और IAS ऑफिसर्स को, तो वो भी हमारे 60-70 सालों से यहाँ पे KS नहीं, ये क्लियर करना पड़ेगा, JKAS है, JKPS
है, जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर बन गई है। सर वर्ड चेक नहीं, अगर आप वर्ड चेक करेंगे तो वर्ड जेके पी एस है, जेके ए एस है, वो लोग हम लोग यूज करते हैं ये वर्ड तो गलत है, अदरवाइज आप ऑफिशियली वर्ड चेक करेंगे जेके पी एस और जेके ए एस ही है सर। चलिए अगर तो जेके ए एस तो वो तो बढ़िया बात है, लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ उनको भी इस 15 सालों का बेनिफिट नहीं होगा। आखिर 15 साल का बेनिफिट होगा किसे? क्योंकि सुनिए यदि हम स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर का युवा ये नहीं कह रहा था कि आप हमें ये बोल दीजिए कि आप हमें एम्पल टाइम दे देंगे। आप यूटी बना रहे हैं इस अगस्त से, 5 अगस्त से यूटी बना रहे हैं, आप एक प्रोविजन रखिए कि इसके बाद जो 15 साल यहाँ पर रहेगा उसके लिए पूरे लॉज यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा यदि आप इतना भी नहीं दे सकते, कम से कम 2-3 साल का ही वक्फा दे दीजिए कि 2-3 साल में हम इसको वापस कर देंगे। हम 2005 से नहीं, 2007 या 2008 से करेंगे, 2 साल के आपके पास गैप है। आप ऑल ऑफ ए सडन एक हमला करते हैं और कहते हैं कि आज की बाजी 15 साल के लिए आपको हो गया। सर मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ, आपने बात की कि 5 अगस्त 2019 से आर्टिकल 370 खत्म हो गया, बिल्कुल, और 35 खत्म हो गया और हमला हो गया। क्या 5 अगस्त से पहले आपको पता था खत्म होने वाला है? नहीं, किसी को पता ना खत्म होने वाला है, फिर हम कैसे सोचते किसी को बेनिफिट करने के लिए? मेरी बात सुनिए ना पहले, आप अपने ही सवाल को पूछ रहे हैं। आपने कहा कि 5 अगस्त के बाद हमला हो गया, क्या 5 अगस्त से पहले 3 अगस्त 2 अगस्त या उससे पहले किसी को पता था कि आर्टिकल 370 जाने वाला है, 35 जाने वाला है? फिर बेनिफिट की बात ही नहीं आती मेरे भाई, अगर पता होता। लेकिन 5 अगस्त को डोमिसाइल पॉलिसी नहीं ना आई सर, पॉलिसी उसके बाद ही आएगी ना, वही मैं कह रहा हूँ। तो 5 अगस्त के बाद आई नहीं आई ना, मैं कहता हूँ 8 महीने बाद आई। हाँ, टाइम दिया सोचने, 8 महीने दिए ना उन्होंने, ये तो नहीं कहा कि 8 महीने से यहाँ रह रहा है, 1 साल से रह रहा है उसको देंगे, उन्होंने 15 साल कहा। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। टाइम में हिमाचल में एक टेंडेंसी का प्रोविजन है कि आपको लैंड खरीदनी है हिमाचल में, यू शुड स्टे देयर फॉर 15 इयर्स। वो किसके लिए है सर, सुन तो लीजिए, वो है एग्रीकल्चर लैंड को लेके। अगर आप नॉन एग्रीकल्चर लैंड लेनी है, खासकर अपने फ्लैट लेने हैं, तो एनीवन कैन बाय दैट फ्लैट, कोई रोक नहीं है। मैं जम्मू कितने लोगों को जानता हूँ जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, उनके अपने फ्लैट है हिमाचल में, तो हिमाचल गवर्नमेंट बना के फ्लैट बेचती है, कॉर्पोरेशन बेचती है, एनीवन कैन परचेज इट, यू कैन ऑल्सो परचेज इट, आई कैन ऑल्सो परचेज इट। हाँ, मेरे को एग्रीकल्चर लैंड अगर लेनी है तो मुझे 15 ईयर्स के लिए बाहर रहना है। इतना पूछा है, जॉब को लेकर वहां भी कोई प्रोविजन नहीं है, इतना पूछ रहा है, यदि आपने पॉलिसी रखी है 370 हटने के बाद ऐसा 202 रह सकता है, तो फिर 15 साल के प्रोविजन रखने के लिए आप समानता ढूंढते हैं? ऐसा क्यों? मैं खुद बोल रहा हूँ लीगल एड्स को, फिर ऐसा तो बोल रहा हूँ लीगल एड्स को, वो तभी तो कानून अलग अलग जगह क्यों कहीं खत्म हो गया, तो 202 कहाँ से आएगा? वही से पावर ड्राइव की थी ना, वही तो दैट इज इलीगल। आई एम सेइंग दिस, फिर जब आप उसके लिए पक्ष में ले रहे हैं सर, मैं तो कानूनी बात कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल कानूनी बात कर रहा हूँ। एसआरओ 202 आया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेएंडके में, सेक्शन 124 के प्रोविजो में। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेएंडके ही खत्म हो गया, सेक्शंस भी खत्म होगी, प्रोविजो भी खत्म हो गया, तो वो ऑर्डर इलीगल हो गया। मैं तो ऑर्डर को इलीगल बोलता हूँ, मुझे नहीं पता कि यूथ ने क्यों चैलेंज कोर्ट में इसको आज तक नहीं किया। आप कह रहे थे कि सुओ मोटो, अब कोर्ट हर चीज में सुओ मोटो नहीं लेगी, ये राइट की बात है, ये राइट की बात है। यूथ को दे शुड हैव फाइल अ पिटीशन इन द हाई कोर्ट, इट इज इलीगल और बिल्कुल सिंपल था। सर देखिए, ये राइट्स की बात है, यूथ जो कहता है 202 इलीगल है, हम भी बोलते हैं इलीगल है, दे हैव टू फाइल अ पिटीशन सर, ये पर्सनल राइट्स को लेके है, अपने राइट्स को लेके, सर सर जी को लेकर भी हुई सर, पीएल आज सर पीएल को फाइल करता है वो, उसका अपना डोमेन है, ही कैन फाइल इट। आई गॉट सियान सिंह, मैंने पीएल फाइल की है काफी, ऐसी बात नहीं है, वो मेरा अपना डोमेन है, लेकिन वो मैंने अपने राइट्स के लिए नहीं की है, वो मैंने पब्लिक के राइट्स के लिए की। मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है सर, जो मैंने पीएल फाइल की अपने राइट्स के लिए नहीं की है, पीएल फॉर पब्लिक कॉज, ये पर्सनल कॉज है बंदे का जो उससे हिट कर रहा है, यू शुड फाइल अ पिटीशन। मैं तो कहता हूँ विद इन सेकंड स्टे होना चाहिए, बट फाइल तो यू तो करनी पड़ेगी ना, मैं तो नहीं कर सकता, आई एम ए लॉयर, I can be their lawyer, but I can't be both of them. आपके वापस आऊंगा। आदित्य जी, आपका आप क्या सोचते हैं? अमित सर, मेरा एक चीज बड़ी क्लियरली मैं कहना चाहूंगा, हमारे जम्मू के यूथ के साथ ना, यूथ के साथ क्या, पूरे जम्मू के डोगरों के साथ एक ही प्रॉब्लम हुई है कि पहले हम कश्मीर के अंदर दबे हुए थे, कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स के अंदर। अब क्या है एट प्रेजेंट, करंट सिनेरियो क्या है, आई एम नॉट पॉलिटिकल एफिलिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, मेरा ये व्यू है कि अगर एट प्रेजेंट आप किसी भी चीज के अगेंस्ट कुछ बोलोगे, आप अगर उसमें लूप होल्स ढूंढोगे, चाहे 1% भी ढूंढोगे, यू विल बी टैग्ड एज एंटी नेशनलिस्ट। जस्ट 10 मिनट पहले परिमोक सर ने कहा था कि भैया अगर आप उसको अगेंस्ट में बोल रहे हो तो ये फिर इसका मतलब पाकिस्तान को सपोर्ट, दिस इज नॉट द फैक्ट सर, ये गलत विडंबना है, ये हमारे साथ यही गलत हो रहा है हमारे जम्मू के डोगरों के साथ कि हमें टैग लगा दिया जाता है बड़ी जल्दी, क्या आप ये करोगे? नहीं, यू आर एंटी नेशनलिस्ट सर। मैं इनसे एक चीज पूछना चाहूंगा,
बाकी सब ठीक है, लूप होल्स है। मैं तो इस पॉलिसी जो डोमिसाइल लॉ आया मैं इसको वेलकम करता हूँ, लेकिन उसमें कुछ लूपहोल्स हैं व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड, जो गलत करना जिसको चेंज करना जरूरी है। हम सबको पता था अगस्त के बाद की 370 हटने के बाद कि भैया स्टेट सब्जेक्ट पीआरसी तो जाएगा और आवाजें भी उठना शुरू हो गई थी जम्मू के ही लोगों की तरफ से कि भैया हमें कुछ ऐसा स्पेशल दिया जाए, और इवन के रिप्रेजेंटेशंस भी गई थी, शाह जी से भी मिले थे, अमित सर से, सभी से मिले थे, और उन्होंने ये पॉलिसी ले आए और हमारे लिए एक भाई डोमिसाइल एक्ट आपके लिए आ गया, तो जम्मू के यूथ आप खुश हो जाओ। आप पिछले 3 साल से सुन रहे हो 50,000 नौकरियां आ रही हैं, 50,000 नौकरियां आ रही हैं, 50,000 नौकरियां आ रही हैं, वो कब से आ रही हैं? क्वेश्चन बड़ा एक बड़ा अजीब सा है गया, 3 साल हो गए, आ रही हैं तो कब से आ रही हैं? बाय ट्रेन आ रही हैं, बाय फ्लाइट आ रही हैं, बाय बस आ रही हैं? इतनी देर में तो हमारे बेचारे यूथ का जो है वो तो उसका एज तो बेचारे का बढ़ता जाएगा, वो तो उसमें कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। लेकिन एक चीज़ है इसमें, एक लिखा हुआ है जो क्राइटेरिया डाला हुआ है कि 15 ईयर्स जैसे आपने उसको छेड़ा, हमारे ही यहाँ की जो पॉलिटिशियंस हैं देवर रेजिंग की भैया रोहिंग्यास का इस वक्त सर्टिफिकेट बन गया स्टेट सब्जेक्ट, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं पिछले 15 साल से, 2000 की बात है ना जब रोहिंग्या आ गए थे, उनके स्टेट सब्जेक्ट भी हैं, उनके पीआरसी भी बने हुए थे, उनके राशन कार्ड भी थे जिसके इंक्वायरियां पेंडिंग है। मुझे ये बताओ कि आपने अभी तक उसके बारे में क्या सोचा? ये इसका सवाल है, मैं इसको भी कंक्लूड कर रहा हूं, मैं भी कंक्लूड करता हूं इसको कि उनके बारे में तो वो एज इट इज हैं। अब वो बंदे उसी पीआरसी के बेस के ऊपर अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बना लेंगे, तो भैया आपका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड आ गया। एक जगह आप कहते हो हम इनको बाहर निकाल देंगे, कब निकालेंगे? यू आर इन पावर सिंस 2014, आप बात करते हैं कि 70 साल से ऐसा हो गया, 70 साल से ऐसा हो गया, सर फॉरगेट दो 70 ईयर, मैं बोलता हूँ बहुत गलत हुआ। आप 7 साल में 6 साल में क्या कंक्रीट कर रहे हैं? इन्होंने, मैं आपको मेरा जो अपना पर्सनल व्यू है, मेरा ये पर्सनल व्यू है कि इनकी पॉलिसीज, इनका माइंड फ्रेम, इनका टारगेट इज वेरी मच बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा टारगेट है, बट जो उसका रास्ता है ना ये वो उस पर वर्कआउट करना भूल जाती हैं। 370 के बाद आप देखें कि जो जो हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लाया गया, जो लाया गया वो लाया गया जो हमारी डिमांड्स थी, मगर उसको फुलफिल करने के लिए जो रास्ता था ना वो अभी भी ना हवा में है, वो ग्राउंड वर्क में कहीं नहीं है। आप देखें दो मिसाइल आ गया, हमारी डिमांड थी दो मिसाइल आया, आया 15 साल का क्राइटेरिया डाल दिया, IAS ऑफिसर के बच्चे भी जो 10 साल से पढ़ रहे हैं वो भी एलिजिबल हो गए, चलो उनकी भी संख्या ज्यादा नहीं, 250 से 300 ऑफिसर्स होंगे, वो भी ठीक है, वो भी माइन्यूट सी होती है। मेरा उसमें ये पॉइंट है कि भैया आपने क्राइटेरिया 15 साल का क्यों रखा, इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्यों दिया आपने? आप इसको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी दे सकते थे। मेरा पीआरसी है या मेरा नहीं है पीआरसी, या मेरा बच्चा अगर अभी 10th में पढ़ रहा है तो उसको वो लेके फिर दोबारा 25 दिन के अंदर उसको तहसीलदार के पास जाना, ऑनलाइन अप्लाई करना है। 1.5 करोड़ पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली हमारे जम्मू कश्मीर की, यू वॉन्ट दिस 1.5 करोड़ पीपल टू स्टैंड इन क्यू वंस अगेन फॉर गेटिंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट? वाई आ क्या हमारा यही बस रह गया कि हमेशा लाइन में लगना है हम लोगों को? कभी इस चीज के लिए लाइन में लगना है, कभी इस चीज के लिए लाइन में लगना है, ये एक चीज गलत है। अदरवाइज डोमिसाइल एक्ट जो आया है 90% इज ओके, मैं उससे बहुत खुश हूँ कि ठीक है। इसी तरह इनको एक जमीन के ऊपर भी ले आना चाहिए कि भैया बाहर के लोग जमीन क्राइम के साथ जोड़ देते हैं, बाहर के लोगों को हम बड़े एंगल्स के साथ जोड़ते हैं, बिल्कुल, जो कि हम सबको पता है कि ये एडमिटेड फैक्ट है, ऐसा हो रहा है। अगर हम यहाँ पे स्ट्रेंथ देखेंगे भैया क्राइम में कितने परसेंटेज बाहर के हैं और कितने परसेंटेज, हमें पता चल जाएगा कि बाहर के लोगों की स्ट्रेंथ ज्यादा है जो क्राइम में हुई है। लेकिन 15 साल का क्राइटेरिया ये खत्म होना चाहिए, अगर रखना है तो इसको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दो, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दो, जो कि गलत है। दूसरी चीज, इनको जमीन के ऊपर भी लाना चाहिए इस चीज के लिए। 1.5 करोड़ लोगों के लिए जो डोमिसाइल एक्ट जो आया है उनके लिए क्या वे आउट बनाया आपने, उसके बारे में थोड़ा क्लियर तो करें हमें लाइन में लगना है। आपने बता दिया ये फॉर्मेट है, अप्लाई करें, ऑनलाइन भी अप्लाई करें, 2G है हमारे पास, कहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे? 4G की आप बात ही करने देते, करते हैं तो हम एंटी नेशनलिस्ट हो जाते हैं। मैं आऊँगा आज अगर चौक में खड़ा हो जाऊँगा कि भैया मैं 4G चाहिए, नहीं जी ये पाकिस्तान की बात है, हमारी सिक्योरिटी सेट, सर सिक्योरिटी सेट है जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करो ना आप, मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करता, वी ऑल नो कि सिक्योरिटी थ्रेट इज देयर, बट दैट इज फॉर द रॉ एंड अदर एजेंसीज टू सी। अगर वो बंद कर रहे हैं कश्मीर में उसी दिन जिस दिन हमला होता है, कुछ होता है तभी बंद हो जाता है, आप यहाँ पे कम से कम 4G रिस्टोर तो करो, तभी हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। अब सेम क्राइटेरिया अब यहाँ पे आया हमारे पास, मैं इसमें ऐड ऑन करूँगा कि कैट बना, अगेन भाई इस पर कन्फ्यूजन है, कोई फ्रेम आउट नहीं, कोई वर्कआउट नहीं, कोई कुछ नहीं, ऑनलाइन अप्लाई की दिया, वंस अगेन आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आप यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं है, फाइंड आउट हो रही है अभी बिल्डिंग्स की, यहाँ भैया ये इस बिल्डिंग में हम यहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे। अगेन वही चीज़ है कि इनका माइंडसेट टारगेट इज वेरी मच राइट, बहुत अच्छा है, जो हमारे हितों के लिए है, जो ठीक है, इनका बुलजाई मारना है, लेकिन बुलजाई मारना कैसी है, किससे मारना है, इससे मारना है या उससे मारना टारगेट वाली से, वो नहीं पता है, वो हवा में किस स्ट्रेंथ से जाएगा, क्या हवा की कितनी वो है।
दैट इज नॉट नो वेयर इन द पिक्चर, वो इनको नहीं पता। उसमें अगर ये थोड़ा वर्कआउट कर लें, थोड़ा सा कर लें, वी आर वेरी मच हैप्पी। हम सबको इनकी पॉलिसीज बड़ी अच्छी लगती हैं, हम एडमायर करते हैं इनकी पॉलिसीज को। अगर मैं अभी इनको ओपनली क्रिटिसाइज कर रहा हूँ तो ओनली ऑन द ग्राउंड कि भैया ये ग्राउंड वर्क नहीं करते हैं। आप वो कीजिए, इन्हीं पॉलिसीज को लाइए, हम आपको खुले दिल से हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, बस इतना कहना है। परदीप जी, आपसे वापस आऊँगा, क्योंकि जिस तरह से एक बात उठी थी कि धारा 370 से कहीं ना कहीं डेमोग्राफिकली चेंज भी आ रहा है जम्मू कश्मीर में, अब ये वजह तो नहीं है 15 साल का जो स्लॉट रखा गया उसमें इसको लेकर ही कुछ ऑल्टरनेट ढूंढा जा रहा है, जिस वजह से जो इसके अपोज कर रहा है उसको एंटी नेशनल के साथ जोड़ के देखा जा रहा है? सर देखिए, एंटी नेशनल वाली बात नहीं है जो अपोज कर रहा है, एंटी नेशनल ऐसा वर्ड कोई बात है नहीं जी, क्लैरिफाई कर दीजिए इसको, बेटर रहेगा जी। इसको अगर हम डोमिसाइल पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि इसको लेके कोई कंफ्यूजन आ रही है लोगों के माइंड में, तो उनको क्लियर होनी चाहिए लोगों की कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हो सकती है, या उनको क्लैरिटी नहीं आ पा रही इस वजह से हो सकती है। डोमिसाइल पॉलिसी में क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपको अप्लाई करने के विद इन 1 वीक तहसीलदार को इशू करना है, और अगर वो नहीं करेगा तो उसको पेनल्टी है 50,000 की, अपनी उसको अपनी पॉकेट से देना है, उसकी सैलरी से देना है, तो कोई इतना रिस्क लेने वाला नहीं है। रोहित जी, समानता की बात जिसमें से आपने की थी, रोहिंग्या से बड़ा अच्छा मुद्दा जो है वो आदित्य जी ने उठाया जी, जो 2002 के बाद से यहाँ पे रह रहा होगा, उनके बच्चे 10वीं और 12वीं कर रहे होंगे, तो फिर वो भी डोमिसाइल के हकदार होंगे? देखें, जहाँ तक मुझे मेरा अपना पर्सनल नॉलेज का जो है वो सवाल है, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने जो है वो बड़े तरीके से जो है, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछली सरकार की भी बात कर रहा हूँ, कि कोताही कहीं कहीं होगी हो तो पता नहीं, बट अदरवाइज जो है हमारी जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो एजेंसीज हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हो, वो अपने लेवल पे जो है काम कर रही है। और मुझे नहीं लगता कि अब चोरी चलाकी से कोई कर ले, क्योंकि यही समाज है जिसमें से तो छोड़ दिया ना, एक तो छोड़ दिया। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ, पहले मैं अपनी बात जिस तरीके में उसको लेके जा रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ कि ये वही समाज है जिसमें से अच्छे लोग भी आते हैं और बुरे लोग भी आते हैं, इसी में से जो है राम निकलते हैं, इसी में से रावण निकलते हैं। तो कुछ लोग जो है, जो एक समाज में कुछ ऐसा तत्व है जो कि एंटी नेशनल भी है और एंटी सोशल भी है, सोसाइटी के अगेंस्ट है, और जो डेलिब्रेटली चाहता है, आपने देखा होगा कि बार एसोसिएशन ने अपने लास्ट टेन्योर में, जो पहले टेन्योर था सलाती साहब की सदारत में, उन्होंने एक एजिटेशन भी लीड की जिसमें रोहिंग्याज का जो मुद्दा है वो उठाया था, और उसको लिए प्रोटेस्ट भी किया था हम लोगों ने कि किसी के लिए आपकी जो आप जिसको बोलते हैं कि तरस वाली भावना जो है वो दया वाली भावना, क्योंकि वो लोग अपनी कंट्री से निकाले गए हैं और उनके लिए आखिरकार इंसान है और इंसानी फर्ज हमें अपनी जगह पे अदा करना है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो लोग आए हैं उनको हम उस तरीके से लें कि वो यहाँ के बशिंदे हैं और यहाँ के बशिंदे को निगलेक्ट कर दें, पहली बात। और हमारी डोगरी में एक कहावत कहते हैं, मैं वो बताना चाहूँगा कि अगला नहीं तो कराली बनी, कराली बनी, तो ओकड़ी गल भी नहीं होनी चाहिए। रोहिंग्याज आए हैं, ये जब तक सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन पेंडिंग है उन्होंने डायरेक्शंस देनी है इस पर, और किस तरीके से जो है इनको महदूद रखना है, कहाँ तक ये इनकी जो लिमिटेशंस रहेंगी, इनको किस तरीके से इनको वापस भेजना है, वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर जो है वो प्रीजुडिशियल है और सब जुडिशियल सॉरी, और वो जब तक फैसला नहीं लेते ये अपनी अपनी जगह पर निगरानी में ही है, इनकी नंबरिंग हो चुकी है कौन किस में है। मुझे लगता है कि ये जो डोमिसाइल वाला आया, कुछ लोगों ने जो बना लिया है मैं उनकी बात नहीं करता, मगर कुछ लोग जो इसकी आड़ में बना सकते थे वो डोमिसाइल आने के बाद नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएंगे? डोमिसाइल के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। जिन 4-5 बंदों ने जो है बना लिए होंगे वो तो उनके ऊपर तो एक्शन होगा, वो भी ट्रेस आउट हो जाएंगे, और जो नए हैं वो उनकी भी शंटिंग हो जाएगी। 10th और 12th में पास किया होगा तो उनके डॉक्यूमेंट होंगे। मैं बोल रहा हूँ कि कितने रोहिंग्यों को आप जानते हो जिन्होंने 10th 12th कर ली है यहाँ पे? मुझे तो नहीं लगता। मैं सोशली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, बहुत ज़्यादा सोसाइटी में इन्फ्लुएंस हूँ, लोगों से मिलता हूँ, पर मुझे नहीं लगता, मेरी नज़र में मैं 2-3 के भी नाम लूँ जो रोहिंग्यों के बच्चे हैं और आज 12वीं पास कर गए और ग्रेजुएशन कर रहे जम्मू कश्मीर में, मुझे नहीं लगता कोई नजरों से ओझल कोई हो। तो मुझे लगता है कि क्योंकि कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे पानी, तो उसी तरीके से जो एक फिजिकल अपीयरेंस होती है ना, वो इंसान की पता चल जाती है कि ये हमारे देश का है
या नहीं है। रोहित जी इतनी बात तो कंफर्म है कि किंतु परंतु की सिचुएशन तो जरूर पैदा की है लेकिन बाहरी लोगों के लिए, और आपकी और परिमोक जी की बात सुनकर मुझे इतना जरूर लगता है कि हमारे डोगरे जो है वो बहुत ज्यादा उदारवादी है, जिस वजह से आज तक उनको कई तरह के नुकसान भी जरूर जो है वो झेलने पड़े हैं। लेकिन इसका उदाहरण मैं बार बार इसी तथ्य से देता हूं कि लेट सपोज आज तक हमारे कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन वो जब भी हमारे अपनी कश्मीर वापसी के लिए बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि अभी तक जो हमारे साथ बुरा हुआ है उसका एज ए कंपनसेशन तौर पर उन्हें कुछ ना कुछ हासिल जरूर होना चाहिए। ऐसे में क्या जम्मू कश्मीर का युवा पिछले 70 सालों से जो प्रताड़ना सह रहा है, क्या उसका ये मांगना गलत है कि 15 साल पहले जो आया उसे भी वही चीजें दे दी जाए जो कि 70 साल से यहाँ पे जम्मू कश्मीर का युवा प्रताड़ना सह रहा है? ये एक बड़ा सवाल जम्मू कश्मीर का युवा पूछ रहा है, जिसका सवाल अलग अलग तरीके से सामने जवाब उसके आ रहे हैं। आप लोग हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो फिलहाल आप जुड़े रहिए व्यू स्टूडियो न्यूज के साथ, मुझे अमित कुमार और पिंकल मेहरा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।